नमस्कार, वीआईपी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं पीके सिंह हिंदुस्तानी एक खास खबर के साथ। शाम का करवाया, ये मेरे मुंह के बोलने की बात नहीं, ये आप सब जानते हैं। दो चार चीजें हैं जो धर्मवीर जी ने कही, वो मेरे बिल्कुल जहन के अंदर डाल दी है मैंने। चिंता ना करो भाई साहब, हर समय नए पुराना, ये हम नया होगा, कोई पुराना आएगा कोई नहीं आएगा, कौन हमारा है कौन नहीं है पराया। एक तो मैं कान समझ के रखो आप मेरे बारे में, जब मेरे साथ काम करोगे आपको पता चलेगा, मैं कान की कच्ची बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो धर्मवीर जी ने आपको बताया कि इनके कान में आके कह देता था कोई कि भाई धर्मवीर ने उस, ये जो है किरण ने फोन कर दिया, तो भाई मेरे गल भी यही बनती थी। तो मैंने बेड़ा भाग जाता था, मैंने कहा भाई ये आदमी बदमाश है। सच्ची बात है, जो आदमी किसी के पास आए यूं कह के कि भाई ये तो इसका विरोधी है, ये सोच के कि इसका काम इसका नाम ले देगा और उसका उल्टा कर देंगे, वो अगर राजनेता कहलाने लायक नहीं है फिर वो बात। तो ये बात तो मैंने भी कभी ना करी और ना आगे करूं। और बाकी तो आपने इस चुनाव में देख ही लिया, धर्मवीर जी नहीं आए हमारे पास मदद मांगने के लिए, हम गए धर्मवीर जी के पास मदद करने। और चुनाव ये लड़ रहे थे, मेरे रात में दुकम दुख ही वो लगी रहती थी मेरे और श्रुति। ये सच्ची बात है ये कि भाई किसी तरह से बहुत ही, इस बारी तो भाई और सोड़ हो रहा था, तुमने बेड़ा ही कि काम जो है अपना बन जाए प्रभु, वो श्रुति तो करे राम का नाम ले, वो तुमने बेड़ा है भाई, पूजा पाठ बहुत करती है। और मैं जो है रातों रात लगी रहती थी कि भाई यहाँ बताओ वहां बताओ क्या चल रहा है नहीं चल रहा, और इनको भी तंग करते रहते थे हम कि वहां पकड़ो। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी मन में कोई दूसरा मन मुटाव नहीं है, बड़े साफ सुथरे ढंग से जो है हमारा मेल मिलाप हुआ है और उसको उसी तरह से आगे रखेंगे। चिंता मत करना, आपके पास सब ताकत बहुत आ गई, धर्मवीर जी हैं सांसद, मैं हूं सांसद, श्रुति बनेगी यहां से, सच्चाई यही है। तो तुषाम हलके को तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, तीन तीन तो थारे दौरे ग्रांट आऊंगी भाई, और तुमने के चाहिए है बताओ। सारा का सारा जो भी काम है सीधे आओ, ये बिचौलिया वाला सौदा जो है ना मेरे बारे में, ये अफवाह जो है ना, ये भी धर्मवीर जी ने उड़वाई थी। ठीक है भाई, अपना तब तो आगे पीछे थे ना, एक मिनट देखो मैं बताती, मेरी पूरी बात सुनो। ये मेरा फोन पकड़ ले, फोन आने वाला। कोठी पे कोई भी आ जाए भाई, और मैं कोठी पे होती हूँ, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं भाई तू कहाँ का है, अपना है पराया है फलाया दिख रहा है, मैंने कभी नहीं कराया। हाँ ये बात जरूर है, कोठी पे बैठने वाले 10 होते हैं भाई, है ना। हाँ एक मिनट में तारी बात मान रहे, जो 10 आदमी बैठे हैं मन में ही कई बार मेरा पड़ता कौन कौन है, समझ गए ना, आओके ऊखा पीन खातर ये वो के मेरा किसने कहां से के भेज रखे हैं, मना तो करा कौन, जाओ भाई मैं बताओ। मैं कोठी पे हूं, मैं तो रुका मार मार के यूं बोलती हूं कि भाई कोई रह गया आके देखिए भाई तुमने मेरा पढ़ लिया। अब एक है हम, मेरे दौरे अगर नहीं कहा बनता हो भाई तो ये बैठा मेरा भाई और क्या, कोई दूसरी बात कौन, तो ठीक है आप
तो धर्मवीर जी है बैठे यहाँ पे, आपको इनारे थोड़ा कोई नारे थोड़ी भाई, इधर जाओ। मेरा तो बल्कि हल्का हो जाएगा काम, मेरा काम हल्का हो जाएगा कि धर्मवीर जी जो है वो बैठ के मेरे सारे काम करते और मैं देखे जी भाई मैं इधर ची खुश की बात क्या हो। सच्ची बात है जिंदगी में बड़ी हर चीज का समय होता है और समय आदमी को उसकी आंखें खोल देता है, समझ रहे हो ना। और जब अच्छाई के लिए खुलती है तो आप जानते हो फिर आगे विकास होता है और आगे बढ़ावा होता है। मैं तो उनमें से हूँ, कभी भी कट्टरपंथी नहीं रही मैं, ये बात जरूर है। लड़ाई लड़ती हूँ अपने लोगों के लिए, मतलब हल्के के लोगों के हक के लिए, लेकिन ये लड़ाई नहीं है मेरी कि कोई प्रतिद्वंदी हो तो उसके साथ मेरी रंजिश है या वो कौन करूँ मैं। क्योंकि भाई सच्ची बात मैं बताऊ, सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद उनसे पहले मैं दिल्ली की राजनीति में थी, वो दिल्ली की यहाँ से बिल्कुल यारी राजनीति हो गए भाई तारे वाली घोड़े। यहाँ पे आके मैंने देखा सीखा समझा, 20 साल हो गए मुझे, पर कहने का मतलब ये कि हर तरीके से मैं केवल और केवल कोई ना लोभ है भाई ना लालच है, कुछ लेना नहीं ना कुछ देना नहीं। सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद देख लिया भाई, सबके में देख लिया, सबके में मिटता देखा भाई, देखा मैंने। और मेरे घर जो बनी यहाँ आने के बाद वो सब ने मेरा है भाई। आज जो यहाँ आ रहे हैं ना सारे के सारे, ये इन्होंने ही कर रखी है। आज जो है 20 साल हो गए, छोरियां हमसारों की हैं। हमारा जो है सुरेंद्र जी का मैं तुम्हें बता दूं, सुरेंद्र जी की जो निजी संपत्ति है चौधरी बंसीलाल जी की नहीं, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की जो निजी संपत्ति है उसके ऊपर डोरे डाल के बैठे हैं दोनों बाबू बेटा, बताओ। तो भाई छोरियां तो हमारी सारियों की हैं या नहीं है, तो ये सारा फिर भी भाई राम ने जो है इतना जुगाड़ कर रखा है दाल रोटी का, और कि मैं कौन सी है जब सारा के मैं है। तो भाई अब सेवा अगर आखिरी टाइम पे आ गए मैं भी, बराबर की उम्र हो रही है हमारी, तो हाँ हाँ बुजुर्ग में आ गया। तो ये जो है काम हम लोगों के लिए करने के लिए आए हैं, जाना तो भाई सबने ऊपर है, कम से कम जब जाओगे तो कम यू तो याद रखोगे कि हाँ भाई कोई आई थी, सही बात है। तो चिंता ना करो, चिंता एक बात सुनो, किसी की रंजिश अगर किसी के साथ है भाई उसमें तो मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी तरफ से मान सम्मान में तुम्हारे कोई कमी नहीं आएगी, ये ना मेरी तरफ से कभी भी दो बात करने वाली बात धर्मवीर जी के कार्यकर्ताओं उनके साथ बिल्कुल नहीं आएगी, ये मैं आज बोलकर बता दूं, रिकॉर्ड कर लो। ये साजले काम जो है उनमें तो भाई कसर छोड़ूंगा नहीं, निजी काम कई बार होते हैं कई बार नहीं होते, तो झूठी बात भी कौन ही बोलूं, लारे लपे भी कौन दूंगी, ये सारा हरियाणा जानता है मेरे बारे में, झूठ कौन बोलूं भाई, नहीं होगा तो बता दूंगी, बुरा ना मानियो। तारे चक्कर कौन कर रहा हूं, और अब तो दोनों घर एक हैं, ये घर जब वो कहते हैं ना मुट्ठी अगर बंद हो जाती है तो मुट्ठी बंद का जो है ये जो ताकत होती है वो ज्यादा मजबूती के साथ आती है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम खाली काम करने के लिए आए, और यहाँ पर निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार बनाएगी जैसे धर्मवीर जी ने कहा, पूरे जो है ये कोई किसी तरह के फंडा में पड़ा हो ना कि सरकार आ रही है, मार ले गणे जो है न्यू भी कूदते हैं भाई, अरे भाई क्यों हो गया ये न्यू चली गई तो सरकार का टाइम था, ये अफवाहें चलाने वाली बातें होती हैं,
सरकार बनाएगी बीजेपी, और सरकार बीजेपी इसलिए बनाएगी क्योंकि नीतियां बीजेपी की ही हैं। जैसे आपको बताया धर्मेंद्र जी ने, इनके तो कोई मेरा ही कोई पार्ट था, मैं तो 45 साल रही हुई वहां। चौधरी बंसी लाल जी ने जब अपनी सरकार बनाई थी ना हरियाणा विकास पार्टी की, मैं तो उस समय भी कांग्रेस में थी, दिल्ली की राजनीति करी थी, तो मन ने जिस तरह से अच्छा देखा हो ना ये अंग्रेजी वाला लेटर पटर जो मन ने आ गया उसमें मेरे कमी को नहीं, चिंता ना करो। लेकिन सच्चाई है ये, आज के दिन हरियाणा के अंदर ये दोनों बाबू बेटा ने वो हल कर दी है जो खाली इनके सिर पे तलवार अटक रही है, वो तलवार कैसे खत्म करी जाए खाली इसके लिए लड़ाई लड़ रही, और इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं। ये देख ही लिया आपने इस चुनाव में, उस समय जो है हमारे लोग गुमराह हो गए यहाँ के, जब ये दान सिंह यहाँ पे आके लड़ा, अपने हल्के के अंदर आ रहा, अपने बूथ पे आ रहा, अपने जिले में आ रहा, पता है तुम्हारे को क्यों आ रहा? मैंने पूछा वहां पर जाकर, क्योंकि वो क्षेत्र जो है श्रुति का पार्लियामेंट का क्षेत्र भी रहा है, श्रुति वहां से जीती हुई। लोगों ने बताया, कहते बहन जी बस से भर भर के आती थी रोहतक से, जो टूटी खोलने वाले भी जो थे ना वो भी रोहतक के थे, हमारे छोड़े नहीं लगाए, समझ रहे हो ना? तो भाई हुड्डा का नाम लेके जो चलेगा मुझसे वोट क्यों करते हैं भाई? ये तो भाई भाई ही बावड़े हो रहे थे, इन्हें मेरा ही कौन पाटता, राजनीतिक सोच ही नहीं रखते, तो शाम हमारे शाने थे, तो शाम के तो भाई सबसे शाने हैं, तो शाम तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, घर में आओ मान सम्मान पूरा होगा, कोई अगर ओल्ड सोल्ड कर रहा है तो भाई उसकी भी आके बताओ मुझे, समझ गए ना? जब मेरे को बताना शुरू कर दोगे तो भाई फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। अब मैंने बताओ ही कौन, कोई बाहर 10 आदमी बैठे हैं वो कुछ और कह दे तब वहीं से नाराज होके चले जाओ, तो भाई वो मैं बस की कौन, समझ गए ना? तब आओ मेरे मिलो, जो मेरे लायक है काम करो, जो धर्मवीर जी के लायक काम वहां करो, जो श्रुति के लायक है वो करेंगे। और तुमने एक बात और बता दूं, ये तुमने एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आज एक बात सुनो जरा ध्यान से, एक चीज ध्यान से सुन लो आखिरी, तुमने मेरा है बीजेपी में भीतर बढ़ते ही जो है सारे किसान संगठन जो है, एक मिनट सुन लो भैया, सारे किसान संगठनों को नायब सिंह सैनी, खट्टर जी, धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ बिठाया टेबल पर, और जो मांगे उनकी थी पूरी की पूरी मांग करवा के दी, तब तो मेरा भी नहीं होगा। आज कोई भी किसान संगठन जो है बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा, बताओ भाई बोल रहा हो तो क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि तुम्हारी एमएसपी मिल गई 24 उस पर फसलों पर, तुम्हारे को बोनस मिल गया, कभी पहले मिला था नहीं बताओ? वो राहुल गांधी के ना खटाखट पीछे आओगे, खटाखट उसके तो आओगे कौन, वो तो सारा झूठ, वो सारा झूठ, खटाखट तो आओ कौन, लेकिन फटाफट थारे खातों के अंदर पीछे आ रहे हैं। 1300 करोड़ रुपया डलवाया है, 1300 करोड़ रुपया हमारे सारा किसान है यहाँ भाई, जिसके नहीं आए उसके आते होंगे, या चार संगीता लग रही है सबके आओगे। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, धर्मी जी बैठे मैं बैठी हूँ, सबके आओगे भाई, क्या बात करो? ये चुनाव ये 20 दिन की बात, 20 दिन की बात, तो किसानों का वो काम कर दिया जो आज तक कभी हुआ नहीं था, ये है बीजेपी की खासियत, समझ रहे हो? ये है बीजेपी की खासियत। और मैं तो एक ये अखबार वालों के आगे हमेशा एक बात कहती हूँ, टीवी वालों के आगे, कि भाई अगर कांग्रेस की नीयत खाली नौटंकी बाजी और खाली किसान को इस्तेमाल करने की नहीं है, तो भाई जो इनके जो राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस का राज्य है वहां पर वो काम करो जो हमने अपने किसानों के लिए यहाँ करके दिया है, वो तो कौन करे, क्योंकि सारा झूठ है।
इनका तो काम ही वो क्या है ना, बाड़ी जब खेत ने खावे भाई वो हाल हो रहा है इनका। बाड़ खेत ने खा रही है तो भाई हरा भरा क्यों करोगा, वो कर सकते तो अपने निकल जाओ, जो अपने रिश्तेदारी है वहां पर चुनाव के बाद सारे बैठेंगे। और बल्कि एक दिन ऐसा भी बना लेना धर्मवीर जी, एक मिनट एक दिन ऐसा कर लेना कि मैं भी आपके घर पे आके बैठ जाऊँ, आप मेरे घर पे आके बैठ जाओ। मेरे कोई वो नहीं, कोई दूसरे, मैं तो बल्कि राजी होगी भाई, मेरा बाहर और आगे ऐसे करने समझ गए।